द 100 का दूसरा मुकाबला लंदन स्प्रिट और ओवल इनविंसिबल के बीच खेला गया था, जिसमें लंदन स्प्रिट की टीम ने ओवल इनविंसिबल्स को 3 रनों से हरा दिया। ओवल इनविंसिबल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। जवाब में लंदन स्प्रिट की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों में 6 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना पाई। लंदन स्प्रिट की ओर से उनके कप्तान इयन मॉर्गन ने सर्वाधिक 47 रन बनाए। ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से गेंदबाजी करते हुए ऋषि टोपले ने 1 विकेट, मोहम्मद हसनैन ने 2 विकेट, सेम करन ने 1 विकेट और सुनील नरेन ने 2 विकेट निकाले। ओवल इनविंसिबल्स की टीम को 172 रन का लक्ष्य मिला। ओवल इनविंसिबल्स की टीम 100 गेंदों में 7 विकेट के नुकसान पर 168 रन ही बना पाई, जिस कारण से वह यह मुकाबला 3 रनों से हार गई। ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से हिल्टन कार्टराइट ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। लंदन स्प्रिट की तरफ से गेंदबाजी करते हुए नाथन इल्स ने 3 विकेट, जॉर्डन थॉम्पसन ने 2 विकेट, लियाम डबसन ने 1 विकेट और मसून क्रेन ने 1 विकेट निकाले। ओवल इनविंसिबल्स की टीम 168 रन ही बना पाई, जिस कारण से वह यह मुकाबला 3 रन से हार गई। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड नाथन इल्स को मिला। नाथन इल्स ने 20 गेंदों में 28 रन देकर 3 विकेट निकाले थे।